वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। श्री विकास कुमार कांस्टेबल जीडी 204 कोबरा सीआरपीएफ मरणोपरांत। इरापल्ली क्षेत्र में माओवादी नेताओं के छिपे होने की सूचना पर 9 फरवरी 2020 को एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई। दिनांक 10 फरवरी 2020 को सुबह करीब 5:30 पर गांव को पार कर दल लक्षित क्षेत्र के पास पहुंचा और 3 हमलावर टीमों में विभाजित हो गया। आगे बढ़ने पर टीम ने 3-4 माओवादियों को आईईडी लगाते देखा। तभी भारी हथियारों से लैस माओवादियों के एक समूह ने सैनिकों को घेर लिया और उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की और माओवादियों को हदप्रभ कर दिया। माओवादी अपने मृत साथियों को छोड़कर घटनास्थल से भाग गए। बाद में बड़ी संख्या में मौजूद माओवादियों ने सैनिकों पर फिर से भारी गोलीबारी की। सैनिकों ने फिर से मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, लेकिन इस प्रक्रिया में वे भी घायल हुए। अपने साथियों को गिरते देखकर कांस्टेबल विकास कुमार गोलीबारी के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर बेखौफ उनके पास पहुंचे और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन ऐसा करते समय वे स्वयं गोलियों की चपेट में आ गए और शहीद हो गए। उन्होंने हर सूरत में अपनी टीम को संभालने और जमकर जवाबी हमला करने में बड़ी दिलेरी से मदद की। इस संगठित जवाबी हमले ने माओवादियों को तोड़ दिया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार कांस्टेबल विकास कुमार ने असाधारण साहस, अनुकरणीय पराक्रम का प्रदर्शन किया और अपने साथियों की रक्षा करते हुए राष्ट्र के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया। स्वर्गीय विकास कुमार की पत्नी श्रीमती नंदिनी देवी तथा माता श्रीमती कैलशिया।